हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कि आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा और बहुत सारी अपनी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें भी पढ़ा होगा कि हार्ट अटैक से किसी यंग बच्चे की डेथ हो गई। कोई 20-22 साल का था, उसको हार्ट अटैक आ गया, या कोई 30-32-35 साल का था, उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होंगी। तो आजकल आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम थोड़ा बढ़ता जा रहा है अपना, तो इस आज की पिछले 10 से 15 सालों में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत से लोगों को है। किसी को विटामिन डी की कमी है, बॉन्स में यानी वीकनेस आ गई, किसी को अचानक से डायबिटीज हो गई, यानी कि उसकी एज भी इतनी नहीं थी, कोई 20-25 साल का था और उसको डायबिटीज हो गई। और आपने देखा होगा हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो किसी भी एज में आजकल स्टार्ट हो रही है। पहले ये क्या होता था कि भाई कोई 50-60 साल, 70 साल से ऊपर का वो होता था, उसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती थी। बट आजकल क्या है कि कोई भी किसी भी एज में हार्ट अटैक से जा रहा है अपना, या हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर डॉक्टर उनका कोई ऑपरेशन करेंगे, या उसका कोई लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज का यही टॉपिक है कि हार्ट अटैक से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने हार्ट को स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और इस वीडियो में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद से न्यूज से अपना और भी स्टडी किया है, वो मैं अपने आपको शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ को लेकर, वो इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों का जो शेड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता। उनका जो डाइट चार्ट है, डाइट प्लान है, वो सही नहीं होता। और जो सबसे मेन थिंग है, वो वर्कआउट नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। पिछले 1.5 साल से जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़े थे, लॉकडाउन हुआ था, तो लोग अपने घरों में थे, उन्होंने क्या है कि टाइम बेटाइम बहुत सारा खाया है। और खाने से क्या होता है, वो खाली अपना कैलोरी इन करते हैं और कोई बर्न नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता। अब जैसे आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, उसको आप चलाते रहें, यूज करते रहें और उसकी सर्विस ना कराएं, तो उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही बॉडी का होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये थोड़ी देर भी काम करना बंद कर दे तो आदमी की डेथ हो सकती है। तो उसमें आपको अपने जो वर्कआउट है, जो डेली का रूटीन है, जो डेली का आपका प्लान है, टाइम टेबल है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो लोग आज की डेट में पार्टी इंजॉय करते हैं, आउटडोर जाते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये मेरी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो ये नहीं देखते कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, बस खाने से इंजॉय करने से मतलब है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए 24 घंटे में से एटलीस्ट 30 मिनट या 25 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप डेली करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेली नहीं करते हो तो आप ऑल्टरनेटिव डेज कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन छोड़ के कर सकते हो। तो इससे आपकी बॉडी में काफी पॉजिटिव और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा। अब वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट में सबसे बेस्ट आपका मार्शल आर्ट हो गया, कराटे हो गया, इसके अलावा आप अपना योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, बहुत सारे आपके वो हैं। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर अपना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उन्होंने फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप सिर्फ 15-20 मिनट भी निकाल के वर्कआउट करेंगे तो फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। पहली बात यानी कि आपको वर्कआउट अच्छा करना है, रेगुलर करना है और नियमित रूप से करना है अपना। दूसरी चीज है अच्छी डाइट लेनी है। आजकल लोग क्या करते हैं, बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं या कुछ भी मेडिकल से या मार्केट में कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ भी खरीद के खा लिया, ना ही किसी डॉक्टर की, ना ही किसी डाइटिशियन की, ना ही किसी अच्छे कोच की। यहाँ कोच की बात कर रहा हूँ, कोई क्वालिफाइड रजिस्टर्ड अच्छा कोच होना चाहिए, किसी अच्छे कोच की गाइडेंस या हेल्प भी नहीं लेते हैं, अपने आप से कुछ भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आपको एकदम से कुछ भी उठा के नहीं खाना चाहिए, या आपको वेट गेन करना था, कोई भी पाउडर खा लिया, सप्लीमेंट ले लिया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि कोई रात को 12 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, कोई रात को 3 बजे सो रहा है, तो देखो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा रहम करना चाहिए, आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अपनी जो नींद होती है 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, उसके बाद मॉर्निंग में वर्कआउट करोगे, दिन में ब्रेकफास्ट
लंच और डिनर का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कभी 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कभी 11 बजे कर रहे हो, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, 3 बजे 4 बजे लंच कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने टाइम सेट किया है जैसे 7 से 8 या 7 से 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद लंच का जो टाइम है 2 से 3 के बीच में या 1 से 2 के बीच में, जो भी आप डेली अपना फिक्स करोगे उसी टाइम पे आप अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर करें और हेल्दी खाएं। हेल्दी का मतलब यहाँ से वो है जो बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने वर्कआउट के अकॉर्डिंग और जो आपका डेली का काम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट लें। और चौथी और लास्ट चीज ये है, अपनी सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों से बातें करें, अपने फैमिली मेम्बर से बातें करें, अपने अच्छे फ्रेंड से बातें करें। ये दुनिया 80-90% नेगेटिव और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। सारे बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, तो आपको बुरों को थोड़ा इग्नोर करना है, जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति में जाता रहना है, क्योंकि जैसी संगति होती है ना वैसे इंसान बन जाता है। तो आपको पॉजिटिव और अच्छी बातों पर ध्यान देना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, किसी भी बात को लेकर डिप्रेशन में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। कि हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, अच्छी बातों में खुश हो जाओ, अच्छी बात है, बट कोई बुरी बात पे आप टेंशन लेके बैठ जाओ, डिप्रेशन में अकेले बैठ जाओ, वो गलत है। उससे आपके माइंड पे, ब्रेन पे और दिल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में आपको 4 पॉइंट बताए और ये 4 पॉइंट अगर आप फॉलो करते हो तो आप हेल्थी रह सकते हो, क्योंकि फिट रहना बहुत जरूरी है। फिट रहने का मतलब है आपकी बॉडी इतना फिट हो कि चाहे आपकी 10 साल है, चाहे 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करे, चाहे वो डेली रूटीन के वर्क हो या फिर फिजिकली एक्टिविटी हो, उसमें आप फिट होने चाहिए। अगर आप बाकी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हो या रनिंग नहीं कर पा रहे हो या 10-20 किलो का आपका कोई वेट है वो उठा के इधर से उधर नहीं रख पा रहे हो, तो इट मीन्स आप फिट नहीं हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, एक्टिव रहिए, फिट रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।